नोहर भैया जी फिर से तुम्हारा स्वागत है कदई तो भाई दाल वाली के वीडियो में। और मेरे भाई आज किस वाली वीडियो में बहुत सारी होने वाली है तो भाई, और तुम्हें पता होगा कल वीडियो नहीं आई, और क्यों नहीं आई मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में कल मेरे मोशन इमोशन सब कुछ लूज हो चुके थे, जो कि पानी की तरफ बह रहे थे, और समझ सकते हो तुम आगे, ठीक है। और हाँ भाई, इसी के साथ एक और बात, तुम्हें हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी बहुत अजीब आए, तो अजीब तो नहीं, अलग और अच्छी भी हो सकती है, हो सकता है बुरी भी आए। अगर तुम्हें अच्छी आई तो कमेंट करना, बुरी आए तो भी कमेंट करना कि लिख देना भैया अच्छी लगी नहीं लगी, और अगर अच्छी नहीं लगी ज़्यादा बंदे को तो नहीं लगी भाई, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी तो पुराना वाला माइक मैं फिर से यूज करूँगा, अगर अच्छी लगेगी तो सही है। तो फिलहाल गेम लेके करें बात, अपने फट्टे को लेके यहाँ पे आता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ और निकल जाता हूँ। तो फिलहाल मैं गाड़ी को लेके कहाँ जाती मैं तुम्हें समझाती। ट्रिपल स्टोरी में एक बंदा होती, उस पर रश करने के लिए हम गाली लेती और यहाँ पे आती। हम पैदल नहीं जाती क्योंकि हम बहुत बहुत अमीर होती, हम पे बहुत पैसा होती, आगे हम बाद में आती, पहले बंदे को निपटाती। Your papa is back in the lifafa, तो इनको फटाफट से निपटाती और हम बताती। हमारे पास सऊदी में दो दो बड़े बड़े तेल की कुएं होती, जहाँ पे मछलियाँ रात को सोती। नहीं नहीं भाई साला, मछलियाँ तेल में कहाँ से सोएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, हम कुछ भावना रूपी नाले में बह गए। तो अगर तुम्हें मेरी छोटी मोटी एक्टिंग अच्छी लगती तो कृपया करके कमेंट करके बताती। उसी के बाद हम यहाँ पे एक एनर्जी ड्रिंक लगाती और अब वो आती जिसका ये चैनल होती। दो फिलहाल मैं गाड़ी को लेके यहाँ से निकल चुका था, तभी रास्ते में दिखते हैं तीन हाथों पे चढ़े बोर दादा, जिनको बराबर से निपटाते हैं और हम भी निकल जाते हैं। दो फिलहाल मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, तब यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। अरे रे जंगली शक्तिमान, तुम तो चला रहे थे गाड़ी लाइक अवर सलमान, लेकिन क्या फायदा, ले ली गई है तुम्हारी जान। तो पर से इनको निपटाते हैं, तभी यहाँ पे कोई और बंदा आता है और इसी के साथ चला भी जाता है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद फिर से आने वाला है क्योंकि काम तो इनको है नहीं। देख रहे हो साला किल चोरी करने का कर रहे हैं प्रयास, लेकिन चलो जाते हैं और रोकते हैं इनकी सांस। नहीं नहीं भाई, सांस को काहे रोकेंगे भाई, सांस को रोकेंगे, सांस गो इन द नाड़ा, अपने को काहे, हम तो है इनको मारने वाला। दो इस डीट प्राणी की तो हम नहीं खत्म कर पाते कहानी, लेकिन फटाफट से यहाँ से WWM उठाते हैं, उसके बाद हम भी निकल जाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से बस्ती के जा रहा था, तभी हमें ठकर ठकर की बात सुनाई देती है। दो फिलहाल तुम्हें बंदा तो दिख ही चुका होगा, देख लो यह बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो फिलहाल फटाफट से इनको निपटाते हैं। दो इंटरनेट तो बहुत बुरी तरह से हग रहा था, शायद ना कुछ नहीं। तो फिलहाल उसी के बाद यहाँ से चुपचाप से मैं भी निकल जाता हूँ, और फिलहाल मैं यहाँ पे क्यों आया था ये मुझे भी ना पता, देख लो भाई खुद ही। तो हाँ भाई, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा को निपटा रहा था शायद, तो फटाफट अपने बहुत ज्यादा को निपटाते हैं, उसके बाद चुपचाप से अपनी गाड़ी को उठाते हैं और हम भी निकल जाते हैं। भोपाल में फटाफट से गाड़ी उठाता हुआ आ जाता हूँ थर्ड हिल, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी के साथ बंदे रहे हैं पिल और हमें भी चाहिए भैया किल। तो फटाफट से हम यहाँ पे आ चुके हैं और इस वाले घर पे है एक बंदा। दो इसी के साथ इनको निपटा देते हैं, और क्या नाम है इनका, SRAYAZ। तो ये तो मैं समझ नहीं आने वाला, इसके लिए काफ़ी बड़ी डिग्री चाहिए, लॉकडाउन में पास हुए छात्र इसे नहीं समझ पाएंगे, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है हाँ ढीठ, और मुझे कुछ ना पता। तो बिलाल उसी के बाद गाड़ी को लेके यहाँ पे आता हूँ, और क्यों आया था, हाँ भाई बोट को निपटाने आया था।
एनिमी डाउन। और इस वाले गेम प्ले मैंने बहुत 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 बॉटों पे अत्याचार करके उनको मारा है। और क्या कर सकते हैं भाई, यही गेम प्ले मिला तो यही डाल दिया। ये वाला गेम प्ले तो अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई तो अच्छा है ना, तो प्लीज देख लो। एनिमी डाउन। अरे रे साला, खुले पे उछला कूदी काय कर रहे हो बे साला, मरने की पड़ रखी होगी शायद। तो फटाफट से सन की भी पूरी कर देते हैं मन की, उसी के बाद फटाफट से अपनी गाड़ी को लेके यहाँ पे आते हैं। देख लो भैया, फूल इज फाइटिंग विद अंगारा एंड यहाँ पे बच गया भाई तुम्हारा। दो फिलहाल फटाफट से ऊपर जाते हैं और उसके टीममेट को भी निपटाते हैं। दो हबरे बबलू भैया तो कतई पीपी के साथ ही करते रह गए ताता थैया और इनको बजा दिया गया। तो फिलहाल फटाफट से इनको निपटाते हैं, उसके बाद हेल्थ गाते हैं। और तुमने देखा होगा मेरा साला एम एकदम पत्थर की तरह रखा था स्टार्टिंग में, हो जाता है कई कई बार, पता ही है तुम्हें, गेम से ज़्यादा तो गली चीज़ भर रखे हैं। तो फिलहाल फटाफट से यहाँ से कुछ ना कुछ उठाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो ये उत्तेजित वाला कुछ ज्यादा उत्तेजित जो रखा था मैं मारने के लिए, तुम देख सकते हो साला 40 गोलियां निकलते हैं, लेकिन इसने पता नहीं कितनी चला दी। तो बराबर से इसको निपटाते हैं, उसी के बाद हम कुछ ना कुछ लगाते हैं और बाहर आते हैं। और हाँ भाई, इस वाले गेम प्ले में हम लास्ट बंदे को चिकन डिनर भी देने वाले हैं, तुम देख सकते हो हमारा कितना बड़ा है दिल, ठीक है। तो फिलहाल फटाफट से यहाँ पे दोनों को निपटाना पड़ेगा, उसी के बाद लास्ट वाले बंदे को देंगे चिकन। दो प्री का चंदन घिस मेरे नंदन, ये कहा तो तुमने सुनी होगी, नहीं सुनी तो अब सुन ली भाई। तो इस चंदन को भी हम घिस देते हैं, उसी के बाद जिसका टीममेट रह रहा है तो उसको भी निपटाना पड़ेगा। Enemy down. इसी के साथ इन दोनों को निपटा देते हैं, उसी के बाद अब रह रहा है लास्ट वाला बंदा जिसे कि देना है चिकन डिनर। तो फिलहाल तुम देख सकते हो ये सामने वाला पेड़ है, इसके पीछे बंदा है। दो फिलहाल तुम्हें लग रहा होगा कि भैया हमने इन जोकर भैया को कतई चिकन डिनर नहीं दिया है, इन्होंने कतई छीन के लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जोकर भैया को तो हम सो कर निपटा सकते थे, लेकिन हमने नहीं निपटाया और इन्हें चिकन डिनर दिया। और हमारा यही स्टाइल है, हम इसी स्टाइल से देंगे आगे से, ठीक है। दो इसी के साथ कतई फ्री का चिकन डिनर इनके हाथ, और बाय बाय, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आए।